हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम चिप्स बनाने चल रहे हैं मार्केट जैसे घर में। तो चिप्स बनाने के लिए देखिए, हम चार आलू लिए हैं मीडियम साइज के। इसको हम छील के अच्छी तरीके से धुल के रख लिए हैं। अब हम इसमें चिप्स काटने वाला लेंगे। ये देखिए, हम कद्दूकस लिए हैं तो इसमें चिप्स काटने वाला दिया है इस तरीके से। इसमें अब हम चिप्स काटेंगे। ये देखिए, ये आसान तरीके से चिप्स कट जा रही है हमारी। ये चिप्स कट के देखिए रेडी हो गई है, बिल्कुल भी टूटी नहीं है और बहुत आसानी से कट गई है। अब हम इसको जो है धुल लेते हैं। देखिए, हम सभी चिप्स पानी में डाल रहे हैं। इस तरीके से धुल के हम निकाल ले रहे हैं। ये देखिए, सभी चिप्स हम धुल के निकाल लिए हैं। इसका अब हम पानी टावल लेके सुखवा देंगे। ये देखिए, हम पानी इसका सुखवा दिए हैं टावल लेके। ये बिल्कुल सूखी सूखी लग रही है। अब इसको हम फ्राई करेंगे। इधर ये कढ़ाही में तेल डाल के हम रख दिए हैं, गरम हो रहा है। अब चिप्स हम डालेंगे। हमको तेल मीडियम गरम पे रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखना है। ये देखिए, इस तरीके से हम चिप्स बना रहे हैं। इसी तरीके से हम सभी चिप्स बना के रख ले रहे हैं। इसको हम बराबर चला दे रहे हैं ताकि ये जले ना। ये देखिए, चिप्स हमारी बन के रेडी हो रही है। ये हम देखिए, इस तरीके से चिप्स बना के रख लिए हैं मार्केट जैसी चिप्स हमारी। ये इसमें थोड़ा सा मिर्चा पाउडर और नमक दोनों हम मिला ले रहे हैं। तीखा कम करेंगे, बच्चों को सादा ही पसंद रहता है। इसमें थोड़ा सा हम चाट मसाला भी मिला ले रहे हैं। ये हमारी चिप्स बन के रेडी हो गई है। आप लोग कमेंट में बताइए कैसा लगा हमारा तरीका। अगर हमारा तरीका अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। सभी भाई बहनों को नमस्कार और धन्यवाद।